वेलकम फ्रेंड्स, आज देखने जा रहे हैं यूरेका फोर्ब्स मशीन के जो फिल्टर्स आते हैं अंदर के, वो किस टाइप के आते हैं। उसका इन्हेंस करके एक मॉडल आता है और दूसरे जो मॉडल से उसमें एक स्पेशली ये मॉडल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली इन कंपोनेंट के अंदर चिप लगाई गई है। इसको ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या आता है। ये जो फर्स्ट फिल्टर है उसको केमिकल ब्लॉक के नाम से इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, दूसरा आई फिल्टर्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, तीसरा अपना आरओ का मेम्ब्रेन है। इसमें एक तरफ इनपुट है और दूसरी तरफ रिजेक्शन और फिल्टर वाटर है। इसमें भी ये सर्किट दी गई है। अब हम सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को रिमूव करके देखेंगे, ओपन करके कि इसमें क्या चीज है। सबसे फिल्टर हम पहले आई फिल्टर ले रहे हैं, सबसे पहला सीक्वेंस के अंदर देख सकते हैं आप। इसमें आउटपुट की डायरेक्शन के अंदर ये सर्किट लगा हुआ रहता है, क्यूसी फिटिंग है इसके। अब इस फिल्टर को हमने कट डाउन कर दिया है, यहां से आप देख सकते हैं यहां से पानी इन होता है और इसके सराउंडिंग में ये वाउंड फिल्टर है और ये इसमें आप देख सकते हैं पूरा ये कनेक्शन है, डबल ओरिंग है और ये वाउंड फिल्टर है। उसके ऊपर आप लेयर देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ इसको, आप लेयर देख सकते हैं ध्यान से ये, और ये डबल ओरिंग है और ये फिटिंग से। स्विच का कोई भी सेंसर इनसाइड नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी सेंसर स्विच का इनसाइड नहीं है। इस सेंसर का कोई भी, ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर शायद काम कर रहा है। अब हम दूसरा फिल्टर ओपन कर रहे हैं जो केमी ब्लॉक है, देख सकते हैं ये इनपुट है और ये एरो है जो आउटपुट है जो यहाँ पर जा रहा है। इसके अंदर भी ये सेंसर वाला फिल्टर है। अब इसको हम यहाँ से कट करके ओपन करके देखेंगे कि क्या चीज़ है इसके अंदर। अब इस फिल्टर को हमने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं इनपुट की तरफ से इसके अंदर क्या है ये हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको ओपन कर लिया है, इसके अंदर कार्बन ब्लॉक है। इसको भी प्रॉपर ऊपर से कैप लगा कर डबल ओरिंग के साथ पैक किया गया है, काफ़ी हैवी है और यही सबसे ज़्यादा चौक हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सेंसर का कोई रोल नहीं, कोई मैग्नेटिक सेंसर है जो शायद इसका चौक हो जाना या कोई वही चीज़ें इंडिकेट करता होगा, अदरवाइज सेंसर इनसाइड कुछ भी नहीं है। सिलिकॉन जेल से इसको लगाया गया है यहाँ पर, ये हाउसिंग है और मेन चीज़ ये है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसकी। डबल ओरिंग है, पानी लीक होने की कोई संभावना नहीं, कचरा अंदर मेम्ब्रेन तक जाने की कोई संभावना नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या है। ये है मेम्ब्रेन, इसमें फ्लो इस तरफ से है, ये इनपुट है और ये इसके आउटपुट है। एक प्रोडक्ट वाटर लाइन है और एक रिजेक्शन लाइन है।
और ये सेंसर दिया गया है, इसे कट करके हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने मेम्ब्रेन को पूरी तरह से ओपन कर लिया है। इसके इनपुट वाटर वाले पोर्शन में हमने कट किया था, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया है अरेंजमेंट, ये पूरा जो इनपुट का वाला ये पोर्शन है मेम्ब्रेन का, ये पूरा अंदर की तरफ चला जाता है और पानी वहाँ से प्रेशराइज होकर इसमें से निकल कर सराउंडिंग में जाता है। अब हम पूरी मेम्ब्रेन को इसमें से खींच कर निकालेंगे। अब हमने इसको पूरा खींच के निकाल देंगे। अब आप देख सकते हैं एक्वागार्ड ने अपने खुद के नाम की ब्रांडिंग की हुई है, मॉडल है। इसमें कितनी जीपीडी की है ये पता नहीं है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ बैच नंबर है और सीरियल नंबर दिया गया है। कितने जीपीडी की ये पता नहीं है, बट आप टेंटेटिवली बता सकते कि 75 से 80 जीपीडी के बीच की ये मेम्ब्रेन है। ये सारी चीज़ें होती है एक्वागार्ड के आरओ के अंदर, फिल्टर जो है वो फिल्टर के इनसाइड ये सारी चीज़ें मिलती है। आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ये चीज़ें होती है, कार्बन फिल्टर के अंदर ये और आई फिल्टर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का